बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से है, जहां मतदान के बाद अधिकारी कर्मचारियों पर लगातार सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस ने तेज की अधिकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की कवायद, प्रत्याशियों से अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट मांगी गई है और वो रिपोर्ट 30 नवंबर तक कांग्रेस मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो मतदान के बाद अधिकारी कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशियों से मतदान वाले दिन का रवैया किस तरह का था अधिकारी और कर्मचारियों का, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है और 30 नवंबर तक इस रिपोर्ट को कांग्रेस मुख्यालय को जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए गए। यानी साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी गर्मा सकती है। अधिकारी कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया। कांग्रेस नेता सैयद जफर ने ट्वीट किया है, बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारी सावधान। सैयद जफर ने ट्वीट कर लिखा, जेब में बीजेपी का बैच रखकर काम करने वाले अधिकारी सावधान। कमलनाथ जी ने सभी प्रत्याशियों को लेटर लिखकर बीजेपी की मदद करने वाले अफसरों की लिस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं। अफसरों की शिकायत कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशियों और नेताओं ने की है, कुछ जगह ये शिकायत गंभीर प्रतीत हुई है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है जो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर सियासत इस पूरे मामले को लेकर देखी जा रही है। कांग्रेस नेता सैयद जफर ने यहाँ पर ट्वीट किया है, जेब में बीजेपी का बैच रखकर काम करने वाले अधिकारी सावधान। कमलनाथ जी ने सभी प्रत्याशियों को लेटर लिखकर बीजेपी की मदद करने वाले अफसरों की लिस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं। अफसरों की शिकायत कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशियों और नेताओं ने की है, कुछ जगह ये शिकायत गंभीर प्रतीत हुई। और आगे कहा गया कि जेब में बीजेपी के बैच रखकर काम करने वाले अधिकारी सावधान हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशियों से जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारी और कर्मचारी की रवैये की रिपोर्ट मांगी, उसके बाद प्रदेश में सियासत गर्माने लगी है।